कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है और जहां लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में दुबक कर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जुलाना में कुछ समाज सेवी अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर निकलकर खाली पड़ी जगह में पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देख आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों को अपनी जान से ज्यादा देश व आम जनता की जान की परवाह है और ये कार्य जुलाना की जनहित पर्यावरण सेवा समिति बखूबी निभा रही है, जिनका कहना है कि स्वस्थ जीवन के लिए जहां आज लोग मारे मारे फिर रहे हैं, अगर समय रहते समय पर पेड़ पौधे लगाए जाते और पेड़ पौधों की रक्षा की जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जनहित पर्यावरण सेवा समिति द्वारा जैसे हमने बहुत से पौधे लगाए हैं, अभी हमने देखा कि जुलाना जो ये मेन रोड जा रहा है जींद रोड की तरफ, इसकी तरफ से पहले कुछ समय पहले पंचायत ने पौधे लगाए थे, जो ज़्यादातर पौधे मर चुके हैं। अभी हमने लॉकडाउन में देखते हुए हमारे पास समय था तो हमने इनको जिंदा करने और कुछ जहाँ जो पौधे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं वहाँ और पौधे लगाने और इसी प्रकार का हमारा मुहिम चलता रहे। इससे क्या है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमने अपना समय का सदुपयोग किया है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। ये काम वैसे तो सरकार का है, सरकार हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, हमें जाड़ वगैरह दे तो हम इनकी और भी ज़्यादा केयर कर सकते हैं। अभी हमें इनके कांटे लगाए हैं, आप देख रहे हैं कांटे लगाए हैं हमने, और इनको डंगरों से बचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करने के लिए हमारा हम प्रयासरत हैं। कौन सी संस्था द्वारा? जनहित पर्यावरण सेवा समिति जुलाना। ये सर ऐसा है, पहले हमारे पास सुबह सुबह का टाइम मिला करता है 5 से 8, 5 बजे से 8 बजे तक हम स्टेशन पे हज़ारों की संख्या में पौधे लगा चुके हैं, जिन पे ट्री गार्ड कांटे वगैरह लगाते हैं। डंगरों का और पशुओं का इतना बुरा हाल है जुलाना के अंदर है कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा उसकी तरफ। बंदर डंगर जब भी तोड़ जाते हैं उनकी पूर्ण रूप से पानी देते हैं, ड्राम रक्षा आप देख चुके हैं, और 7-8 हमने कैनी ले रखी हैं, ड्राम भी ले रखा है, रक्षा भी ले रखी है, पानी डालते हैं, उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। अब हमारे पास ये लॉकडाउन की वजह से शाम का टाइम और मिल गया 5 से 8, इस वजह से हमने पार्ट टाइम जॉब यानी कि हाईवे इस्तेमाल लिया, ये रोहतक की साइड में बसेंट से रोहतक की साइड का तो हमने कवर कर दिया, अब जींद साइड में लगे हुए हैं, अब जींद साइड का कवर करेंगे जहाँ तक हमारे से होगा, जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक तो हम करेंगे ही। बताया जा रहा है कि समिति के सदस्य सुबह से ही अपने घरों से निकल जाते हैं और शाम तक सड़क किनारे व सड़क के बीचों बीच बनाए गए पेड़ पौधों की जगहों को भरने का काम करते हैं, साथ ही अपनी सेवा भावना से पेड़ पौधे लगाकर और उनकी देखभाल का काम बखूबी निभा रहे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार ये संस्था जगह जगह पेड़ पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है। संस्था द्वारा ऑक्सीजन पार्क के नाम से रेलवे स्टेशन के पास एक विशेष पार्क निर्माण भी किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक त्रिवेणी लगाकर लोगों को शुद्ध हवा मिल पाए इसका प्रयास किया गया है, और इस पार्क का नाम भी सेवा समिति द्वारा ऑक्सीजन पार्क रखा गया है ताकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।